टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से हमीरपुर के साई अस्पताल डुग्गा में कामयाबी मिली है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया है और जन्म के बाद बच्ची और माता दोनों ही कुशल हैं। इस तरह बड़े शहरों की तरह अब हमीरपुर की डुग्गा साई अस्पताल में इस नई तकनीक से हुए बच्चे के जन्म पर पूरे स्टाफ में खुशी का माहौल है। अस्पताल चिकित्सालय डॉक्टर अनंदिता और अभिषेक ठाकुर ने भी IVF टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से बच्चे के जन्म पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के साई अस्पताल डुग्गा में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में पहली बार ही सफलता हासिल कर ली। साई अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक और अनंदिता ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेस होने से पूरे हॉस्पिटल में खुशी का माहौल बना हुआ। डुग्गा के साई हॉस्पिटल में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी में छत्तीसगढ़ की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर आनंदिता ने बताया कि डुग्गा अस्पताल में ही नए तकनीक से बच्चे का जन्म करवाया है और अब बच्चों के चाहवानों को बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि घर द्वार पर ही डुग्गा साई अस्पताल में IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म पूरी टीम के सहयोग से सफल हो चुका है। उन्होंने बताया कि हर महीने में 8 से 10 मरीज टेस्ट ट्यूब बेबी के आ रहे हैं। सोलन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक तांत्रिक ने महिला को अपने जाल में फंसाकर रात को उसे सुनसान इलाके में ले गया और जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जहां उसके साथ तांत्रिक और उसके चेले ने उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया। सुबह महिला ने शौच जाने का बहाना बनाया और खिड़की से निकलकर भागी। तब भी महिला का पीछा चेला करता रहा लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और सड़क पर आ गई और लिफ्ट लेकर सोलन पहुंची। तब उसने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों और पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत तांत्रिक और उसके चेले को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। महिला ने उसके साथ हुई घिनौनी वारदात को मीडिया के समक्ष रखा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। महिला ने बताया कि उसे तांत्रिक द्वारा डराया गया कि उसके परिवार पर शैतान का साया है जिसके कारण उसका बेटा बीमार है और अगर उसके लिए शमशान में जाकर पूजा नहीं करेगी या तो वे मारी जाएगी या उसका बेटा मारा जाएगा। साथ में उसे ये आश्वासन भी दिया गया कि उसके साथ एक और महिला भी रहेगी तो वह भी जाने को राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वह नारक के पास पहुंची तो उन्होंने जबरन उसे घसीट कर कमरे में डाल दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अधिक जानकारी देते हुए SP सोलन मधुसूदन ने बताया कि महिला का बेटा पिछले काफी समय से बीमार था जिसके इलाज के लिए वे तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसके बेटे को ठीक करने की गारंटी दी और उसे इसके लिए सुनसान जगह पर तांत्रिक क्रिया करने की बात कही। भोली भाली महिला बेटे की अच्छी सेहत के लिए ये भी करने को तैयार हो गई। तांत्रिक के साथ वे नारक के पास सुनसान घर पर गई लेकिन वहां पहुंचते ही तांत्रिक के हाव भाव बदल गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और तांत्रिक और उसके चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद जब दोनों सो रहे थे तो महिला ने खिड़की से भागकर अपनी जान बचाई और दोनों की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।